ಹರಿ ದುಜೀವಿ ಸಬಹುದೇ ಹರಿ ನಿನ್ನ ಚರಣಗಳ ಬರಿದೆ ಮಾತೇಕಿನ್ನು ಅರಿತು ಪೇಳುವೆನಯ್ಯ ಬರಿದೆ ಮಾತೇಕಿನ್ನು ಅರಿತು ಪೇಳುವೆನಯ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಬಲದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನದ ಕೇಡ ನೋಡಯ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಯ ಬಲದಿಂದ ತಮಂಧದ ಕೇಡ ನೋಡಯ್ಯ ನೋಡಯ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಬಲದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನದ ಕೇಡ ನೋಡಯ್ಯ सुंदर, बहुत ही सुंदर। नमस्कार, आदाब, शख्सियत में मैं समीना आप सबका स्वागत करती हूँ। अभी जो आवाज़ आपने सुनी उनके लिए मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि फ़र्श आवाज़ पे रख अपने पुरस्रार कदम और चमकते हुए संगीत का जादू पी जा। संगीत की स्वर लहरियों को पूर्ण रूप से समर्पित, साज व आवाज़ और अंदाज को समर्पित शख्सियत पंडित वेंकटेश कुमार हैं हमारे आज के मेहमान। आवाज का एक अलग रंग, जिसमें है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की मिठास, तो साथ ही कर्नाटक संगीत की विविधता भी। संगीत जिसमें है धारवाड़ की संगीत परंपरा की खुशबू, जिसमें है किराना घराने की पारंपरिक बंदिशें। कलाकार हैं पंडित वेंकटेश कुमार। असल वतन क्यों छोड़ दिया, असल वतन क्यों छोड़ दिया, असल वतन क्यों छोड़ दिया। कौड़ी को तो खूब समारा, कौड़ी को तो खूब समारा, लाल रतन छोड़ दिया। आपका जन्म 1 जुलाई 1953 को कर्नाटक के धारवाड़ में लक्ष्मीपुरा नामक गांव में हुआ। पिता श्री हुलेप्पा लोक गायक रहे। प्रारंभिक शिक्षा के बाद आपको हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के गुणीजन श्री पुत्रराज गवई के साथ उनके आश्रम में सीखने का मौका मिला। 12 साल तक उन्होंने कड़ी तपस्या की और संगीत की हर बारीकी को दिल लगाकर सीखा। भक्तिया करुणी सुमाते ये, भक्तिया करुणी सुमाते ये, गुरु भक्तिया करुणी सुमाते ये, गुरु भक्तिया। और फिर एक के बाद एक कार्यक्रम उनके संगीतमय सफर के साक्षी रहे।
पंडित वेंकटेश कुमार की हमेशा से ये कोशिश रही कि जो कड़ी तपस्या और आश्रम में रहकर संगीत की शिक्षा उन्होंने ली, उसे वो उन लोगों तक पहुंचाए जो वहां तक नहीं पहुंच सकते। लिहाजा वो धारवाड़ यूनिवर्सिटी से भी जुड़े। आपको अपनी संगीतमय यात्रा के लिए पद्मश्री के साथ साथ कई अवार्ड से नवाजा गया। आज की तारीख में आप संगीत को समर्पित युवा कलाकारों को तैयार करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत पंडित जी आपका प्रोग्राम शख्सियत में। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है कि आज आप अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल में से हम लोगों के लिए थोड़ा सा वक्त निकाले हैं। मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी, क्योंकि आप कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र से आते हैं, वहाँ के बारे में बताइए, वहाँ मौजूद संगीत परम्परा के बारे में बताइए। जी, धारवाड़ हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में बहुत एक बढ़िया नाम है। कलाकार, सभी पुराने कलाकार धारवाड़ को पहचानते हैं। वहाँ से बड़ी बढ़िया तीनों घराने का प्रचार वो धारवाड़ में हुए है। एक ग्वालियर और दूसरा किराना और तीसरा जयपुर। इसी घराने में पंडित मल्लिकार्जुन साहब मंसूर, पंडित बसवराज राजगुरु जी, हमारा गुरु जी गानयोगी पंचाक्षर गवाई जी, पुट्टराज गवाई जी और डॉक्टर गंगूबाई हानगल जी और पंडित भीमसेन जोशी जी, बहुत बहुत बढ़िया कलाकार। साधन का जगह है धारवाड़। धारवाड़ का मिट्टी में संगीत और साहित्य दोनों ऐसे पैदा हो गए हैं। जहाँ आप बड़े हुए, बचपन बीता आपका, आपके माता पिता के बारे में जरूर बताइए हमें। मैंने सुना वो फोक सिंगर रहे। जी, मेरा पिताजी फोक सिंगर थे और पहले उन्होंने कर्नाटक शास्त्रीय संगीत पे थोड़ा सिखाए थे। उनके आवाज़ बहुत अच्छा था, गाते थे, बहुत अच्छा गाते थे, मगर मेरा भी आवाज़ कई कई आप जैसे संगीत प्रेमी लोग सुनते थे बचपन में, सुन के मेरा पिताजी के बता देते थे, अरे भैया आपका बेटा को थोड़ा शास्त्रीय संगीत अच्छा कलाकार से ट्रेनिंग मिलाना पड़ेगा, उनको अच्छा बड़ा कलाकार होता है वो, ऐसे 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 बोलते थे। इसलिए मेरा पिताजी और मेरा मामा दोनों मिलके वो गदग में, धारवाड़ के पास गदग करके है, पंडित भीमसेन जोशी क्या गांव है ना वो गदग, वो आश्रम वहाँ हमारा गुरु जी का आश्रम है बहुत बढ़िया, वीरेश्वर पुण्याश्रम करके गदग में गाना योगी पंचाक्षर गवाई जी वो स्थापना किए है। हमारा गुरु जी पुट्टराज गवाई जी 100 साल से वही चलाते रहते हैं आश्रम में। अच्छा। गुरुकुल सिस्टम वहाँ वही ऐसे है, कम से कम ज्वाइन होने के बाद 6 साल तो सीखना पड़ेगा वहाँ रह के, रहना चाहिए गुरुकुल में, और नहीं तो 12 साल। अच्छा, मिनिमम 12 साल सीखना ही है। सीखना है, वो करार हो ऐसे होता था। अच्छा। हाँ, उसी समय में मैं 1968 में मैं ज्वाइन हो गया वहाँ। तो 1968 से आप 12 साल वही गुरु जी के पास रख के, गुरु जी के पास सेवा करके, वही 12 साल ऐसे आश्रम का नियम से मैं संगीत सीखा। आपके यहाँ जो सिखाने का जो तरीका था वो क्या रहा? ऐसे गुरु जी का हमें आश्रम का नियमानुसार होता है, वह सुबह 4 बजे उठना है वहाँ। अच्छा। हाँ जी, आश्रम में सुबह 4 बजे उठना, प्रार्थना के ज्वाइन हो, प्रार्थना करना, हाँ गुरु जी को प्रार्थना करना। प्रार्थना में कौन नहीं आते उस दिन उनका भोजन बंद हो जाएगा। ऐसे बहुत नियम। हाँ जी, इसलिए सब सुबह 4 बजे उठते थे, 7 बजे तक अभ्यास करते थे बहुत, बाद में 9 बजे तक सफाई वगैरह करते थे आश्रम का सेवा, और 10 बजे से 1 बजे तक रियाज, फिर और 2 बजे, 1 से 2 बजे खाना, और 1 घंटा 4 बजे तक फ्री, 4 बजे से और 6 बजे तक गुरु जी का पाठ विद्याभ्यास गुरु जी के सामने, और 6 बजे से 8 बजे तक प्रार्थना। ऐसे नियम शेड्यूल, फुल शेड्यूल, बिजी शेड्यूल। 12 साल ऐसे मैं गुरु सेवा करके उनका कृपा से, हमारा गुरु जी पुट्टराज गवाई जी, पद्मभूषण पुट्टराज गवाई संत थे, संत, और कन्नड़ हिंदी और संस्कृत तीनों भाषा में कवि, बहुत बढ़िया कवि है। अच्छा। और
संगीत कर्नाटकी और हिंदुस्तानी, और किराना और ग्वालियर घराना दोनों में बहुत बढ़िया वो सन्यासी, पूरी जीवन भर सिखा सिखा दिया। क्या बात। किंकर पुट्टा रे गोली दू गुरु भक्ति करुणी सुमाते ये, गुरु भक्ति करुणी करुणी सुमाते ये, भक्ति करुणी सुमाते ये, गुरु भक्ति करुणी सुमाते ये, गुरु भक्ति करुणी सुमाते ये, भक्ति करुणी सुमाते ये, पार्वतीये देवीये गिरिजये कल्याणीये, पार्वतीये देवीये। जब आपके 12 साल कंप्लीट हो गए जी, फिर उसके बाद आपकी जिंदगी में क्या कुछ हुआ आगे? हाँ, एक बार मुझे सीखने के बाद गुरुजी का आशीर्वाद लेके मैं बाहर पढ़ा। उस समय ये कॉन्सर्ट, पहला कॉन्सर्ट वही धारवाड़ के पास बेलगाम करके है, बेलगाम। पहले दिन में आर्ट सर्कल होते थे वहाँ आर्ट सर्कल, वही बेलगाम का आर्ट सर्कल प्रोग्राम मुझे दिया, युवजनोत्सव करके। वो तीन दिन बहुत युवजनों के प्रोग्राम ले किया, तीन दिन थे उस, एक दिन मेरा था उसमें, एक एक दिन में दो दो कलाकार ऐसे। मैं पहली बार गया हूँ प्रोग्राम के लिए, वो आखिरी दिन था मेरा गायन हो गया, मुझे भी अच्छा लगा, आके गाय के आ गए, मैं गाँव आ गया। फिर वो पेपर अखबार में लिखे थे संगीत दिन सकाल करके, महाराष्ट्र में एक सकाल करके पेपर है बहुत बढ़िया, वो पेपर में आए थे। ये तीनों दिनों का युवजनोत्सव बहुत अच्छा हुआ, अच्छा लगा श्रोत्रों को भी। और तीनों दिन का कलाकार में वेंकटेश कुमार बहुत अच्छा गाया। अच्छा, ये पहले लिखा, मगर ये क्वेश्चन मार्क दिया हमने गाया, मगर उनको ऐसा है कौन सा राग होने के बाद कौन सा गान राग लेना के वो माहिती नहीं उनको। उस समय मुझे वो ऑर्गेनाइजर था, उन्होंने फोन किया मुझे, वेंकटेश कुमार ऐसे ऐसे लिखे है मुझे, मुझे भी पता नहीं, उनको भी संगीत बारे में पता नहीं क्या है ये, क्या अच्छा है, सच्चा है क्या, कैसा है नहीं मुझे पता नहीं। मैं बोला, मैं छोटा था ना उसमें, उम्र यंग था मुझे, नहीं नहीं मेरा बराबर है, मैं गाए करेक्ट गाया वो सही है, मेरा गाने सही है, मैं राग क्या गाया वो सही है बोला। मैं पहचानता नहीं था मुझे राग के बारे में, ये समय के बारे में, वो कौन सा राग कौन कैसा नहीं। अरे नहीं नहीं, आपको गुरुजी के पास जाओ, थोड़ा गुरुजी के पूछो वही पता चलेगा। वो भी आ गए, वो अखबार लेके आ गए, मराठी में लिखे थे, हमारा गुरुजी मराठी में पढ़ते थे, उनको समझते थे। वो बोल दिया, वो गुरुजी कया कहा, वो बरोबर सच लिखा है। अच्छा। उस समय मुझे बहुत गुरुजी का क्षमा मांगा मैं। हाँ, गुरुजी बोला, नहीं आप बार बार नहीं आता, हमको पूछता नहीं कौन सा राग कब गाना, कब कौन सा राग लेना है, एक राग से बाद एक और एक राग कौन सा लेना है कि सोचना पड़ेगा, वो पूछना पड़ेगा गुरु के पास, अब तुम बड़ा हो गया ऐसे बोला। ये मेरे जीवन में आज तक याद है। फिर आपको जब गुरुजी के पास, जैसा आपने बताया, आप गए और उन्होंने कहा कौन से वक्त में कौन सा राग गाना चाहिए, तो फिर आपने 10 साल का ब्रेक ले लिया। जी नहीं, ब्रेक क्या हो गया, परफॉर्मेंस कम होते थे उस समय, आर्ट सर्कल कम ना, आर्ट सर्कल कम बहुत, शास्त्रीय संगीत ज़्यादा बहुत नहीं चलता था ना। इसलिए हमारे गुरुजी बोलते थे आप नौकरी करो, नौकरी मिलेगा, कॉलेज लेक्चरर नौकरी मिलेगा बोला क्या गुरुजी। हाँ नहीं, उन्होंने सिद्ध पुरुष है, बहुत बढ़िया संत, उस बहुत लोगों को पता है, बहुत बढ़िया लोग, उन्होंने क्या बोला ऐसे हो गया, जैसे नौकरी मिला, वो धारवाड़ को मिला था। क्या बात है। 1984 में, ओफो, वहाँ से एक साल हो गया मैं रिटायर्ड होके। अच्छा। आज यूनिवर्सिटी कॉलेज में, कर्नाटका यूनिवर्सिटी कॉलेज में संगीत प्राध्यापक था मैं। 2002 में आपको एक बहुत ही खूबसूरत, जिसे हम कहते हैं ना, अच्छा मौका मिला। और आप ही की जुबानी मैं सुनना चाहूंगी, जब पंडित भीमसेन जोशी जी ने कहा जी कि मैं वेंकटेश कुमार को सुनूंगा। नहीं, उनको भीमसेन जी को, पंडित जी को एक महाराष्ट्र अवार्ड मिला उस समय, उस लिए गाने के लिए कोई अवार्ड लेते हैं ना, उनको वो कलाकार से गायन नहीं रखते,
दूसरे कलाकार का रखते हैं। अच्छा। इसलिए पंडित जी के पूछा उस समय करना, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का सेक्रेटरिएट में कौन किसको बुलाना है गाने के लिए। पंडित जी बोला पहले रशीद खान को बुलाओ, पहले बोला रशीद खान को बुलाओ। वो रशीद खान को फोन लगा, रशीद खान उस समय इंडिया में नहीं था, बाहर गए थे। नहीं पंडित जी ऐसा है, इंडिया में नहीं रशीद खान साहब, ऐसे ठीक है और को और दूसरा नाम बोलिए, और वेंकटेश कुमार को बुलाओ। क्या बात है, ये मेरा बहुत बढ़िया भाग्य है। और एक बात बोलता हूँ मैं, भीमसेन जी से उनका बहुत बड़ा मुझे ये मिला, स्कोप दिया उन्होंने बहुत हमको मेरा, और गायन के बारे में एक बात बता दिया पंडित जी, शास्त्रीय संगीत सुनने के लिए लोग नहीं आते कहते तुम, आज कितने लोग आए, वेंकटेश कुमार जैसे गाते हैं ना लोग आते हैं, नहीं तो कैसे आ गए हैं। ये तो बहुत बड़ा अवार्ड हो गया है, बड़ा अवार्ड, सबसे बड़ा अवार्ड, सबसे बड़ा अवार्ड। ये बड़े कलाकार पुराने कलाकार सब अच्छे ऐसे थे, गुणी लोग। कुछ सुनाना चाहेंगे आप जो आपको अच्छा लगता हो मेरी ऑडियंस के लिए? एक बंदिश सुनाता हूँ जी, जरूर। गाना विद्या बड़े कठिन जाने तो गुरु चरण शीश धर तत बितप बार महादेवा गाना विद्या बड़े कठिन जाने। बहुत सुंदर। आपके कुछ अपने हैं पंडित जी जिन्होंने आपके बारे में कुछ कहा है, मैं चाहूंगी आप उन्हें देखें और फिर अपनी राय हमें जरूर आइए देखते हैं। नमस्कार वेंकटेश जी। नमस्कार। आपके बारे में मैं क्या कहूँ, जैसे फलों से लदा हुआ वृक्ष होता है वो झुका रहता है, ऐसे ही इतने गुणों से संपन्न होके भी आप इतने मृदुभाषी और विनम्र हैं। मुझे याद है आज से कई वर्ष पहले जब आप पहली बार विष्णु दिगंबर जयंती में आए थे, तब से लेकर आज तक और आपको इतनी प्रसिद्धि मिली है, फिर भी आप बिल्कुल सेम हैं जैसे पहले थे, और ये क्वालिटी बहुत रेयर होती है, कम देखने में आती है। आपके ओजस्वी आवाज़ ने पूरे देश को मोह लिया है, शायद ही ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस होती होगी जिसमें आपको नहीं बुलाया जाता, और आगे सफलता के शिखर आप छुएं ऐसी शुभकामनाएं हम करते हैं। नमस्कार। मधुप जी है ना, बहुत गुणी लोग हैं ना, कितने हर साल अच्छा अच्छा कलाकार को उन्हें पहचानते हैं। ये बात बहुत लोग, मैं सीधा बोलता हूँ, बहुत लोग ये काम नहीं करेगा। भक्ति संगीत से आपका बहुत जुड़ाव रहा है जी, जी। तो भक्ति का एक रंग हमारी ऑडियंस के लिए। हाँ जी, हमारा कर्नाटक में दोनों पंथ है, भक्ति पंथ, एक दास पंथ, दास साहित्य का पंथ, और एक वचन साहित्य, वचन का पंथ, वो बहुत प्रचार है। हम पहले आश्रम के संगीत सिखाना, संगीत रागों को राग सिखाते ना जी। राग सिखा का पहले वो दासर पदा और वचन सिखाते थे हमको। अच्छा। इसलिए वही संस्कार हमको अभी आगे आ गए। एक दासर पदा बोलता हूँ मैं, वंदु बारी स्मरण साल दे आनंद तीर्थर पूर्ण प्रज्ञर सर्वज्ञरायर मध्वरायर वंदु बारी स्मरण साल दे आनंद तीर्थर पूर्ण प्रज्ञर सर्वज्ञरायर मध्वरायर वंदु बारी स्मरण साल दे। सुंदर। जो पहले तरीका था, जैसे आपने 12 साल सीखा, साधना की एक तरह से, 12 साल गुरुकुल में रहे, आपको लगता है कि ऐसे जैसे जिन गुरुकुल में आप रहे ऐसे और गुरुकुल पूरे देश में होने चाहिए, ताकि संगीत जो एक साधना के रूप में प्रचलित होना चाहिए वो हो सके? गुरुकुल सिस्टम बहुत बढ़िया होता है। वो क्या है गुरुकुल सिस्टम में, गुरु जी के पास रहना है, गुरु सेवा करना है, पहले खाली सीखना नहीं सेवा करना है, गुरु जी का सेवा करना, गुरु जी का मन प्रसन्न होना चाहिए, बाद में उनका दृष्टि शिष्यों के ऊपर होता है,
उस समय उनको क्या सिखाते वो विद्या प्रसार हो जाएगा, उनको कृपा वो आशीर्वाद गुरु जी का ऐसे है। गुरुकुल, ये गुरुकुल में ये लभ्य होता है। अभी आप सिखा रहे हैं कुछ लोगों को? नहीं, अभी मैं 30 साल सिखा दिया हूँ कॉलेज में। हाँ। थक गए हूँ सीख के, थोड़ा रेस्ट लेता हूँ 1-2 साल। हाँ जी, मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ अभी। अच्छा। हाँ, तो अभी हाँ। आपके कुछ अपने हैं जिन्होंने और अपनी राय दी है, मैं चाहूँगी आप उन्हें भी देखें। आइए देखते हैं जी। वेंकटेश जी नमस्ते। मुझे कभी कभी ज़िंदगी में जिन चीज़ों के बारे में अफसोस होता है उनमें से एक ये है कि मैंने आपको बहुत देर में सुना। अच्छा होता कि आप और पहले आगे आते, और जिन बड़े बड़े कलाकारों को मैं पहले से सुनती आ रही हूँ आप भी उनमें से एक होते। धारवाड़ से आने वाले बहुत सारे कलाकार जिनको सुन सुनकर हम बड़े हुए हैं, जब मैं आपको सुनती हूँ तो मुझे लगता है असली सुनना तो यही हुआ। जो गायकी की शुद्धता, जो आपकी विनम्रता, जो स्वरों की पहचान, जो उनका दिल को छूना। मैंने गंधर्व महाविद्यालय के प्रोग्राम में आपको सुना, मैंने बेंगलोर में आपको सुना, मैंने बम्बई में आपको सुना। हर बार सुन सुन करके मैं तृप्त हुई हूँ, और अपने कानों को मैंने बहुत सुरीला और ज़्यादा सुरीला महसूस किया है। शायद ये कला ऐसी ही होती है कि जब तक ये सुनने वाले के दिल तक, उसकी आत्मा तक ना पहुँचे, वो अधूरी रहती है, और वो अधूरापन आपने दूर किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से गाते चलिए। क्या कहना चाहेंगे? मेरे प्यार में प्यार रखे इस साल, अभी अगले दिन में भी इसे प्यार रखे और बढ़े। और बढ़ते जाएगा गुरु कृपा से। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए, मैं जो एक सवाल आपसे जानना चाहती हूँ, मेरी ऑडियंस भी जानना चाहती होगी, कि धारवाड़ की जो संगीत परंपरा है, इसको ये और दूसरी परंपराओं से किस तरह से अलग है? वो कौन अच्छा साधन करता है उनको मानते हैं, कोई साधन ना करके ऐसे चमत्कार के चलता है ना, उनको ना मानता नहीं लोग। अच्छा, ये परंपरा वो धारवाड़ का है। आपने किन कलाकारों के साथ मंच साझा किया, डुएट जिसे हम कहते हैं ना, आपने किन किन लोगों डुएट नहीं किया? मैं नहीं किए, एक ही बार किया हूँ। हाँ। कर्नाटक के और वो TN शेष गोपालन करके। हाँ। बहुत बढ़िया कर्नाटक के संगीतकार थे। अच्छा। है अभी कर्नाटक है, उनके साथ मिलके एक मैसूर फेस्टिवल दरबार हॉल में, मैसूर में वो दसरा फेस्टिवल होता है ना, बहुत बढ़िया, उस समय एक ही बार हो गई बस, अंतर नहीं किया। पंडित जी, मैं ये जरूर जानना चाहूँगी, कोई एक सपना जो आप चाहते हो कि जरूर पूरा हो? संगीत में सुर लगता है ना, वो सुर का दर्शन मुझे होना चाहिए, ये गुरु कृपा से मेरा सपना है, वो गुरु कृपा, गुरु से मुझे ये सपना पूरा होना चाहिए बस। चलते चलते आपकी पसंद का कोई गीत जो आपको बहुत पसंद हो, मेरी ऑडियंस के साथ उसको शेयर करिए। बचपन से बहुत सुनते थे मैं किशोर कुमार, आपको बहुत पसंद है? किशोर कुमार बहुत सुनता था मैं। हाँ। मगर बहुत साल हो गए ना। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह खुशबू हवा में कुछ न रह गया।
पंडित वेंकटेश कुमार जी, आज आप शख्सियत में तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार जी, नमस्कार, धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। तो शख्सियत में आज फिलहाल इतना ही, ऐसे ही ताबिंदा सितारों का सिलसिला शख्सियत में जारी रहेगा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।